Assalamualaikum guys, hope you're all doing good. This is Hamza here और ये है मेरा सबसे पहला ब्लॉग, आखिरी भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते. ये ब्लॉग मैंने इसलिए सोचा बनाने का क्योंकि आज है मेरी लाइफ का बहुत अहम दिन, तो मैंने सोचा कि वो उस पूरे दिन को हम 8 से 10 मिनट में एक अच्छे स्पेशल मोमेंट्स को हम कवर कर लें. तो क्या है वो आपको थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा. अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये ब्लॉग जब तक अपलोड होगा ना, तब तक पूरी दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया तो नहीं, खैर बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, जितने हमारे सर्कल हैं उन सबको पता चल चुका होगा कि भाई ये ब्लॉग में क्या होने वाला है और मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. लेकिन हम लोगों ने ऐसे प्रिटेंड करने की जैसे हम लोग को कुछ भी पता, ताकि मज़ा आए आपको भी देखने में और हमें भी ये बनाने में. तो भाई ये है अपना आउटफिट, ये रहा प्रिंस कोट, ये वॉच और ये शलवार कमीज़ के साथ शूज़. तो ये आउटफिट देख कर ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आज क्या है. तो भाई आज मेरा निकाह है, किसके साथ है, कहाँ है, ये भी हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ऐसा ऐसा बताएंगे. सीन ये है कि अभी हम तैयार होंगे, तैयार होके जाएंगे अपनी होने वाली वाइफ को पिक करने, उसके बाद हम जाएंगे आउटडोर शूट पे और उसके बाद हम जाएंगे वेन्यू पे, ठीक है. और उनकी कॉल आ चुकी है, अभी 2:30 बज रहे हैं और उनकी कॉल आ चुकी है कि वो तैयार बैठी हैं आगे लेने के लिए. तैयार और ये आखिरी बटन लगाने से पहले मुझे याद आया कि यार प्रिंस कोट पहनना भी जरूरी तो नहीं है, ये तो हम शूट के टाइम पे भी पहन सकते हैं और वेन्यू के टाइम पे भी पहन सकते हैं. तो अभी हम ये उतार के अब निकलेंगे अपनी होने वाली बेगम को लेने के लिए और देखते रहिए भाई हमारे साथ. भाई टाइम नीचता तो अभी हम फौरन बाल बनाएंगे और कैसा होगा तैयार. चलो भाई फटाफट चलो. भाई ये आ चुकी है और हम गाड़ी लगा रहे हैं गेट पे. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. आज तो मिला ले. इतना वो शर्मा है आप. अच्छी लग रही हो यार, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो. कौन सा ये कौन सा है? अच्छा वहाँ पे तो उनके अपने बंदे होते हैं ना, पैसे दिए हुए होते हैं जो भी है सबकी तारीफ करती है. अच्छा. नहीं नहीं यार, अच्छा मेकअप किया, बहुत अच्छा मेकअप. अब फ्री में और क्या चाह रही है? तो मैं बता, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं व्लॉग बना रहा हूँ. बता दिया ये मैंने तो. ओके, दो मिनट पहले उसमें कैमरा बंद था ना, अभी तो वैसे प्रिटेंड करो जैसे मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया. अच्छा बताओ जीरा में क्या. छुप जाओ यहाँ पे, जितने मांगने वाले हैं ना सब जोड़ी सलामत कर करके हमें खाली कर देंगे. कैसा फील कर रही हैं आप बता दो, थोड़ा सा खुल के बता दो. घबराहट घबराहट होनी भी चाहिए बेटा, मुझसे हो रहा है ना निकल, होनी चाहिए, अभी आपको पता लग जाएगा. देखो लाइंस पढ़ना शुरू हो गई है, तो ये मेरी गलती है. नहीं तो ये भी मेरी गलती है, मत हंसो तुम, हर बात. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो अभी भी हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और अरे तुम्हें पता है क्या. ये काट देना, ऐसे रोक दे तो रोक दे. अरे तुम्हें पता है क्या, जिसे मैं सर्विसेज दे रही थी ना, तो उस दिन बिल्कुल ऐसे बता ना जैसे काली मुझे नहीं पता यार. तो तुम दो. अरे तुम्हें पता है क्या, जिस दिन मैं सर्विसेज दे रही थी ना, तो जो दो आंटी मेरे पास आई थी, मुझे कहती हैं मेरी और हमजा की पिक्चर देखकर, कहती हैं ये फहद मुस्तफा से आप कहाँ मिली थी. मैं समझी नहीं, मैंने कहा कौन किससे मिली, फहद मुस्तफा से कब मिली. कहती ये आपकी पिक्चर है ना फहद मुस्तफा के साथ, आप कब मिली उससे, किसी शो में मिली थी. मैंने कहा भाई ये फहद मुस्तफा नहीं है. कहाँ फहद मुस्तफा, कहाँ हमजा. लग रहा है मैं दो दिन से सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी ठीक से. रात में तो बिल्कुल ही नहीं सोई मैं, लेकिन मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, इतनी टेंशन हो रही थी. हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं, बस थोड़ी देर में हमारा शूट होगा और फिर हम जाएंगे वेन्यू पे.
और फिर वहाँ पे सब आएंगे, फिर हमारा हो जाएगा दिखा। हमारा शूट है नापा, आप देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पे परमिशन मिली है, काशिफ साहब ने करा के दिया है। काशिफ साहब कौन है वाला? काशिफ साहब डैडी, इनके डैडी है भाई। अगेन आए गाइस, ये मुझे पायल पहना दे एक ही पैर में यार, तो कहते पहना रहे सही से पहना, एक ही पैर में क्यों पहनाओगे दोनों? हाँ हाँ अबे यार मजाक कर रहा हूँ, मजाक था भाई मजाक। 0.5x है माने तो बन पे कहाँ आएगा, खोलो 0.5 खोलो। आ गया आ गया, कैसा आया अभी? बस गाइस पूरी प्रॉपर डेंटिंग पेंटिंग हुई है इनकी प्रॉपर। गाइस मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं जब पिक्चर्स पोस्ट करूंगी ना आंखों के नीचे इतने बड़े-बड़े गड्ढे। तो भाई ये ज़ीन यहाँ पे पहुंच गए। ओए किसको ढूंढ रहा है भाई, एंटर होती नजर नहीं आए हम लोग। ये देख क्या मेरे से शादी शुदा होकर किसी और से शादी करता है। ओए 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 कैसे हाई एंड सीन्स चल रहे हैं ब्रो, हाई एंड सीन्स चल रहे हैं। मतलब इतनी क्या खुशी होती है लोगों को शादी की, आई डोंट लाइक सिंपली अंडरस्टैंड। भाई इतनी दफा स्माइल बोल रहा है कि यकीन करो कि किसी ऐसे बंदे की भी स्माइल निकल जाए कि जो सारी जिंदगी ना हंसा हो। गाइस वी आर डन विद द शूट और बहुत लंबा रहा है हमारा शूट, और ये हमारे साथ एक जो हमने बताया था आपको कि हमारे एक दोस्त पे वो बना बन चुका है, वाली क्लिप बन चुका है। कहना चाहेंगे भाई आप? बेटा अभी मैं तैयार होके आऊंगा ना, देखिए तेरा रोना निकलता। मैं तुझे बताऊंगा ज्यादा हैवी प्रेस कोट पहन कर आने वाले हैं भाई साहब। ये लॉरी होते ही ऐसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना वाली बात नहीं है, बंदे को प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। अभी तो इतना ज्यादा कि दूल्हा लगने लगे। बेटा अपनी तो शादी पे मैं लहंगा पहन के आऊंगा, तू देख लियो। वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और ये देख लें आप, ब्राइड को भी देख लें। ओए तो ये है सनाउल्ला जी, जिन्होंने जो हमारे इवेंट प्लानर है, इन्होंने बहुत 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 अच्छे से नाम तो बता दिया अपने, तो ये हमारे इवेंट प्लानर है। हाँ ये हमारे फोटोग्राफर है और यहाँ फोटोग्राफी करा रहे हैं। जी तो सर बात ये है कि अब फाइनली आप मुझे देखेंगे क्योंकि हम दस आप तो जाके बैठ गए हैं अपना निकाह करने के लिए, तो इनके निकाह को कवर करूंगा मैं। तो अगर कोई गलती कोई कोताही कुछ हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। पहले तो जी व्यू करवाएंगे, खूबसूरत तरीन सेटअप, बहुत ही खूबसूरत, दरमियान में इन्होंने पर्दा लगाया हुआ है। तानिया केम छो, मैं मुंह के अंदर नहीं घुस रहा हूँ, मैंने पीछे किया हुआ है 0.5 पे। हेलो पहले कमेंट्री तो आप लोगों ने सुनी ली होगी लेडीज, बाकी डोले बेटी डोले और डोले। अच्छा चल बस कर। मिसबा बल्दे मोहम्मद मिसबाहुद्दीन, आपने हजीरा काशिफ बिन काशिफ मोहम्मद खान को बेवज हक मारशरी 1,25,000 तलब है। गवाहान की मौजूदगी में मजमूरा तफसील के साथ आपने हजीरा काशिफ बिन काशिफ मोहम्मद खान को अपनी किया, मुबारक फरमाएं। Now hand in hand we soar for a lifetime of our love use, two hearts one beat, you whisper to me be mine for a lifetime, it's the little things that make our hearts meet.
और लगता है उन्होंने कर लिए क्योंकि उन्होंने बोला नहीं कुछ। क्या बात है भाई यार, ये तो मोमेंट हो गया। वाह हाँ तो भाई कैसा फील कर रही है आप मिसेज हमजा? क्या हाल है? हेलो अन्नी। हेलो। हेलो अन्नी, हाल है? टाइम पे आ जाती ना भाई। एक तो एक बात बताओ, एक रहता उधर मेरे घर की तरफ, एक रहता वहाँ पे, तो ये शादी खुशी हुई थी तो आज रखा हम अच्छी जगह पे निकाल। भाईजान वो कैमरामैन आ गया जो वीडियो बना रहा था ना खाना खाते हुए, जो बोतलें गिर लेता है भाई। यहाँ पे हम सब बैठे थे, वहाँ सिर्फ असद बैठा था। ये असद वाली साइड टेबल हम सबकी साइड। ऐसा लग रहा है कोई खतरनाक कोई गेंडा खा के उठा है। ये मेरी बचपन की गैदरिंग, अलग अलग गैदरिंग है, इसमें अभी तीन चार जो राखड़ है वो खाया गया, लेकिन एक बिक्री का मेंबर है उसमें। ये हमारे इंस्टा वाले हैं सारे, माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत मॉडल जैसे, मॉडल जैसे मेरा भी एक मेंबर आई है। भाईजान बस कर दो बस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तुम्हारी ये वाली आदत के नहीं गई अभी तक, दूसरों के गानों को अपने गाना कहना। हाँ तुम भी बोल लो, सब्सक्राइब माय चैनल। ये देख ले आप, ये हमारे सारे, ये आपके सारे देवर हैं अब, सही है? इसमें से ये दो अलग हो जाए, ये बिग टू है जो बिग थ्री के मेंबर है, सही? और थ्री मैं हूँ, और ये आगे रांगड़ फैमिली। भाई उम्रे पे जा रहा है मेरा, भाई उम्रे पे जा रहा है भाई, दुआओं में याद रखना। दिखाओ भाई दिखाओ अपना हाथ दिखाओ, और किसने लिखवाया था? तुमने तो कद्दू कुछ नहीं लिखवाया हुआ होगा। शोर मत चालू भाई, शोर मच गया मच गया। हाय गाइस, फाइनली हमारा निकाह हो गया है, और निकाह के बाद ये फर्स्ट टाइम आज हमारे साथ बैठी है मिसेस हमजा। तो बस अब हम घर जा रहे हैं, बहुत थक गए, बहुत थक गए माशाल्लाह। हर चीज बहुत परफेक्ट थी, हम लोग का इवेंट, हम लोग का खाना, हर चीज परफेक्ट थी, बहुत अच्छी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नजरे बस से बचाए। और अच्छी लग रही थी ना बहुत, हाँ बहुत अच्छी लग रही थी, बेस आ गया सारा हाथ में। अच्छा तो बस अब हम घर जा रहे हैं, ये मुझे ड्रॉप करेंगे। अभी हम घर नहीं जा रहे, अभी ये मुझे घर छोड़ रहे हैं। अभी मैं इनको घर छोड़ रहा हूँ क्योंकि रुखसती तो नहीं है अभी, अभी तो सिर्फ निकाल, अभी टाइम है रुखसती में। हाँ जी। और बस अब आपको कुछ बोलना है? नहीं बस मुझे आप कैसा फील हो रहा है, आप कैसा फील? सीधे हाथ से बिल्कुल बिस्मिल्लाह पढ़ के लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो जो होता है यूट्यूब चैनल को वो कर देना, क्योंकि पहली वीडियो है हमारी और पता नहीं अगली वीडियो को कुछ पता भी नहीं है, जो करना इसी वीडियो पे कर देना, जितना लाइक दबाना इसी वीडियो में दबाना। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे हमारे और भी व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।